अक्सर एक और प्रश्न मेरे पास विद्यार्थी मेरे करते हैं, वो ये है कि संस्कृत को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, इससे हम कैरियर कैसे बनाएंगे। प्रश्न उनका भी सही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम संस्कृत भाषा को कैरियर के रूप में केवल एक ही जगह तक देखते हैं, और वो है कि संस्कृत सीख लीजिए, कुछ मंत्रों को गलत सलत बोलना सीख लीजिए या सही सीख लीजिए, और धोती पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, चंदन लगा लीजिए, और जब कोई व्यक्ति बुलाए कि आइए हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है तो सुना दीजिए, या कोई अन्य काम कराना है तो करा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कार्य बुरा है, मैंने अपने एक वीडियो में बात कही थी कि ये कर्मकांड संस्कृत भाषा का एक अंग है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में खूब प्रगति करूं। प्रगति कब होगी? पढ़ा लिखा हो, भाषा जानता होगा, अन्य विषय जानता होगा। लेकिन बड़ा बड़ा मुश्किल प्रश्न है, बड़ा मुश्किल इसका उत्तर देना है कि इस भाषा को हम कैरियर के रूप में कैसे स्वीकार करें। तो यहां पर मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि इस भाषा का विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा उपयोग है। पुरातत्व के क्षेत्र, पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसमें संस्कृत जाने बिना आप प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ ही नहीं सकते, और जो आप अभी समझ रहे हैं भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, वह वास्तव में फिर आपके लिए वही है कि जो हमारे कुछ लोगों ने काम कर दिया, चाहे वो विदेशी हों चाहे वो भारतीय हों, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने ये कभी नहीं सोचा कि जो उन्होंने लिखा है उसको हम कैसे वेरीफाई करें कि सही है कि गलत है। संस्कृत शिलालेख पढ़ना, इसलिए संस्कृत जान करके अगर आप संस्कृत लेते हैं, एमए करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो आपको पुरातत्व के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, जहां पर आप अपने इस भाषा के बल से आप अपना कैरियर अपने लिए बढ़िया शानदार कैरियर पा सकते हैं। लगभग प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग में संस्कृत विषय लेकर के परीक्षा पास करने की व्यवस्था है। अगर आप संस्कृत विषय लेकर के राज्य प्रशासनिक सेवा में या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा इसका सिलेबस है, और कभी मुझे लगता है स्कूलों में या कॉलेजों में किसी ने बताया नहीं है कि संस्कृत को करियर के रूप में कैसे लिया जा सकता है। दुर्भाग्य है देश का, हमारे यहाँ बड़े बड़े करियर काउंसलर काम करते हैं स्कूलों में कॉलेजेस में, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया। अभी पिछले दिनों, दो साल पहले की बात, एक साल पहले की बात, मैंने देखा है हरियाणा की कोई एक लड़की थी, उसने आईएएस में उसका सिलेक्शन हुआ है और उसका एक विषय संस्कृत था। पिछले दिनों केरल की एक मुस्लिम लड़की ने अपने राज्य की किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और उसने कहा कि मैं इसमें अपना कैरियर बनाऊंगी। दूसरी बात है अध्यापन, संस्कृत के विभाग विश्वविद्यालयों में, विदेशी विश्वविद्यालयों में, भारतीय विश्वविद्यालयों में है जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। विद्यार्थी को संस्कृत का में एमए करना चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, नेट क्वालिफाई करना चाहिए, और फिर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, विदेशों में संस्कृत का बहुत अच्छा स्कोप है, कैरियर आप उसे अपना करके जा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आपको उस विषय की सही और गहरी जानकारी होनी चाहिए। आयुर्वेद के लिए भी संस्कृत भाषा बहुत करियर के रूप में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा मुद्रा शास्त्र है, वास्तु कला के क्षेत्र में इस भाषा का बड़ा अच्छा प्रयोग है, बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विद्यार्थी इस विषय को जानता है तो इवन सेना में एक पोस्ट होती है धार्मिक शिक्षक की, और उसके लिए संस्कृत जानना बहुत आवश्यक है।
और वो मैं मुझे ठीक से पता नहीं, पर शायद नायब सूबेदार या सूबेदार रैंक से वो शुरू होती है। बढ़िया, अच्छा, बढ़िया, अच्छा पे स्केल भी अच्छा है, कैंटीन सुविधा मिलती है। बस अब इसके करियर के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विद्यार्थियों को बताने वाला नहीं है कोई। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल मृत भाषा है और बस इसमें इसको ले लो, रट लो, अच्छे अंक मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसको करियर के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, और जो करियर के लिए संभावनाएं हैं हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हम उन्हें बताएं, बच्चों को बताएं कि इसमें आपका भविष्य किस प्रकार से संवर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये भाषा नहीं लोगों के बीच में रुचिकर नहीं होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत अच्छी तरह से होगी, विश्व में तो हो ही रही है, बस थोड़े से प्रयास